नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 27 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब आपको घर बैठे बैठे मिलेगा मतदाता पहचान पत्र। यूक्रेन में फंसे बिहारी छात्रों के लिए बिहार सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बिहारियों को मछली खाना खूब है पसंद। अब बिहार में भी बनेगा राजमार्गों का चौराहा। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी पर मांगा जवाब। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब आपको घर बैठे बैठे मिलेगा मतदाता पहचान पत्र। बिहार में अब डाक के माध्यम से मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र मिलने वाला है। बीते दिन ही निर्वाचन आयोग की तरफ से स्थानीय होटल में मतदाता जागरूकता संबंधी बैठक का आयोजन करवाया गया था। इसी बैठक में मुख्य सचिव बिहार आमिर सुभानी ने नए मतदाताओं को घर पर ही डाक के माध्यम से इपिक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निर्वाचन विभाग की तरफ से जारी की गई आधिकारिक सूचना के अनुसार पहले नए मतदाताओं को इपिक बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से मिलती थी, अब इसकी पूरी प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया गया है। इसको लेकर डाक विभाग से करार भी कर लिया गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे प्रकाश झा की। प्रकाश झा का जन्म 27 फरवरी 1952 में हुआ था। प्रकाश झा एक भारतीय फिल्म निर्माता, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक है, जिन्हें ज्यादातर उनकी राजनीतिक और सामाजिक राजनीतिक फिल्मों जैसे कि दामुल 1984 में, मृत्युदंड 1997 में, गंगाजल 2003 में, अपहरण 2005 के लिए जाना जाता है, राजनीति 2010 में, आरक्षण 2011 में, चक्रव्यूह 2012 में और सत्याग्रह 2013 जैसी मल्टी स्टारर फिल्में उनकी इस सूची में शामिल है। वो फेस आफ्टर द स्टॉर्म 1984 और सोनल 2002 जैसी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता वृत्त चित्रों के निर्माता भी हैं। वो एक प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश झा प्रोडक्शन चलाते हैं। वो पटना में PNM मॉल और जमशेदपुर में PNM हाई टेक मॉल के भी मालिक हैं। OMR शीट पर पहली बार ली गई 9वीं की वार्षिक परीक्षा। बिहार बोर्ड की तरफ से 9वीं की परीक्षा का आयोजन बीते दिन ही से किया जा रहा है। पहले दिन की बात करें तो बीपीएससी की परीक्षा होने के कारण 31 स्कूलों में परीक्षा सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे के बाद दी गई। हालांकि इस दौरान सूबे के लगभग सभी स्कूलों में शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिला। वहीं बिहार बोर्ड की तरफ से ली जा रही 9वीं की परीक्षा में इस बार काफी कुछ खास भी देखने को मिला, जिसके तहत ही पहली बार OMR शीट पर इस परीक्षा का आयोजन हुआ, जिससे 9वीं कक्षा से ही छात्रों को OMR का अभ्यास करवाया जा सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार परीक्षा में राज्य भर में लगभग 14 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने की खास अपील। बिहार में 23 फरवरी को हजारों की तादाद में नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया था, लेकिन TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने अब प्रदेश अध्यक्ष मार्केंद्र पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे की माने तो 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र पाए गए नवनियुक्त शिक्षक को योगदान करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नवनियुक्त शिक्षकों के प्रधानाध्यापक को विद्यालय में योगदान कराने के लिए पहले से ही नियोजन इकाई के सचिव से नियुक्ति पत्र को स्थापित करवाना पड़ता है, जबकि नियोजन इकाई के सचिव प्रधानाध्यापक नवनियुक्त शिक्षक को समय ही नहीं दे रहे हैं। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार का बहाना बनाकर नियुक्ति पत्र को सत्यापित नहीं किया जा रहा, जिससे काफी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। बिहारियों को मछली खाना खूब है पसंद। बिहार में भले ही खाने पीने के कई शाकाहारी उत्पादों की भरमार हो, लेकिन बिहार के लोगों को कुछ है जो खूब भा रहा है। बिहार सरकार की तरफ से बीते दिन ही साझा किए गए रिपोर्ट के अनुसार बिहारियों को इन दिनों मछली काफी ज्यादा पसंद आ रही है। बिहार आर्थिक सर्वे 2021-22 में नीतीश सरकार ने माना है कि बिहार के लोग मांसाहारी उत्पादों में मछली खूब खा रहे हैं। आलम कुछ यूं है कि बिहार में मछली की खपत सालाना 8 लाख टन बताई गई है। इतना ही नहीं, मछली उत्पादन के मामले में बिहार तेजी से आत्मनिर्भर भी हो रहा है। बावजूद इसके राज्य में मछली उत्पादन खपत के मुकाबले कम है। पिछले 15 सालों में बिहार में मत्स्य उत्पादन में जोरदार तेजी आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2006 में बिहार में 2,27,953 लाख टन मछली उत्पादन हुआ था। 2020-21 में यह 68,317 लाख पर पहुंच गया, यानी यह तेजी से 3 गुना के करीब है। यूक्रेन में फंसे बिहारी छात्रों के लिए बिहार सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के कारण बिहार के हजारों बच्चों के यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी निकल करके सामने आ रही है। इसी बीच जहां बीते दिन ही बिहार सरकार ने सभी बिहारियों को अपने खर्चे पर निकालने का ऐलान किया था, वहीं बीते दिन ही बाहर फंसे बिहार के छात्रों के लिए बिहार सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, जिसके तहत ही अब यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्र अब निवासी हेल्पलाइन नंबर 0612 1070 या
9712224204 या 9170702901 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर 24 घंटे कार्यरत है। एक्सिम बैंक ने निकाली रिक्तियां। एक्सिम बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल मिलाकर 25 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास एमबीए, पीजीडीबीए, वित्त में विशेषज्ञता, सीए या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 14 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.eximbankindia.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। अब बिहार में एसटी महिलाओं का होगा पुलिस बटालियन। अब बिहार पुलिस में बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती का काम हो रहा है। अलग महिला सशस्त्र बल बटालियन भी इसको लेकर अब अपनी तैयारियों को शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए बिहार में थारू जनजाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए पहली बार बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल का बटालियन तैयार किया गया है, जिसका नाम स्वाभिमान बटालियन रखा गया। इस बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनाया जाएगा। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार की माने तो देश में बिहार पहला ऐसा राज्य है जो अनुसूचित या यू कहें कि थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन कर रहा है। इसके लिए करीब 72.82 लाख रुपए भी खर्च होंगे। बिहार के इतने किसानों को बांटी गई केसीसी। बिहार राज्य के सहकारी बैंकों में सहकारिता विभाग के निर्देश पर किसान क्रेडिट कार्ड बांटने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर सहकारिता विभाग के सचिव वंदना प्रेसी ने वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय सहकारी बैंकों में महाशिविर की शुरुआत कर दी, जिसमें ही पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 20 शाखाओं के माध्यम से 1509 किसानों के बीच 4.77 करोड़ रुपए समेत राज्य भर के 23 बैंक के 17686 किसानों को नई केसीसी दी गई है। वंदना प्रेसी ने 20 किसानों को अपने हाथों केसीसी और रुपए कार्ड देने का ऐलान किया है। अगले 24 घंटे में बिहार के मौसम में आएगा बदलाव। बिहार में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवा के प्रभाव से ही मौसम में अब बदलाव देखने को मिलने लगा है। मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो गया। इसको लेकर ही शनिवार को भी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। साथ ही इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने बादलों की गरज, बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 27 फरवरी को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार की बेटी अब जर्मनी में करेगी शोध। बिहार में प्रतिभाओं की भरमार है। आप भी ऐसी खबरें लगातार सुन ही रहे होंगे जिसमें बिहार से निकले प्रतिभा अपना जौहर दिखाने के लिए दूसरे देश का रुख भी करते हैं। ऐसा ही एक और कारनामा बिहार की एक और बेटी ने किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बेटी को जर्मनी से शोध करवाने के लिए बुलाया गया है। मुशहरी प्रखंड की नरसिंहपुर निवासी एग्रीकल्चर शोध की छात्रा निष्ठा सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित जॉर्ज अगस्त गोंटिंगेन यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च में सहयोग के लिए आमंत्रित किया गया। निष्ठा वर्तमान में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में शोध की छात्रा है। नेहा सिंह राठौर ने किसानों पर गाया गाना। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अपनी गीतों को लेकर चर्चा में रहती है। इसी कड़ी में नेहा सिंह राठौर ने एक और गीत गाया है। यह गीत सीधे तौर पर राजनीति से नहीं जुड़ी है, बल्कि नेहा ने इसे किसानों के लिए गाया है। गीत के माध्यम से किसानों के दर्द और परेशानियों को दिखाने की कोशिश की गई। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार नेहा सिंह राठौर का ये नया गीत भी पॉलिटिकल स्टायर है। उन्होंने किसान गीत में भी मंत्री विधायक या कहें कि सरकार को निशाने पर लिया है। बिजली और सिंचाई को लेकर भी सवाल किए हैं। किसान को लेकर सरकार की नीति का जिक्र है। गीत में उन्होंने मंत्री विधायक नेता को डीलिंग बाज बताया है और कुर्सी तोड़ने वाला बताया है। दारू पीने और पिलाने वालों पर भड़के मुख्यमंत्री नीतीश। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने बीते दिन समाज सुधार अभियान के तहत ही बेगूसराय में जनसभा का संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खात्मे को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को संकल्प दिलाया। साथ ही इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से अधिक खतरनाक दारू है। दारू पीने से हर साल जितने लोगों की जान जाती है, उतना तो कोरोना से भी लोग नहीं मरे हैं। जब हम लोगों को मौका मिला, हमने शराबबंदी करवा दी। इतना ही नहीं, इस दौरान एक बार फिर से सीएम नीतीश ने यह भी दोहराया कि शराब अगर पिएगा तो मरेगा ही, जो दारू पिएगा वो अपना नुकसान करेगा और देश का भी नुकसान करेगा। एसटीईटी 2019 के कैंडिडेट्स ने सचिवालय के पास किया जमकर हंगामा। एसटीईटी 2019 की मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों ने बीते दिन पटना में फिर से खूब बवाल काटा, जिसके तहत ये सभी अभ्यर्थी सचिवालय के सामने ही बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और खूब चिल्ला चिल्ली कर रोने लगे, जिसके बाद ही माहौल काफी ज्यादा गर्म दिखा।
इसके बाद ही भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल भी पहुंची और सभी अभ्यर्थियों को भगाने लगी। बता दें एसटीईटी 2019 की मेरिट लिस्ट में शामिल हुए 30,675 अभ्यर्थियों ने बीते दिन भी पटना के गर्दनीबाग में खूब बवाल काटा था। विधानसभा का घेराव करने के लिए मार्च भी निकाला था, लेकिन प्रशासन के बीच में ही रोक लिया गया था। इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच खूब नोकझोंक देखने को मिली। अब बिहार में भी बनेगा राजमार्गों का चौराहा। बिहार में इन दिनों सड़कों को लेकर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। बिहार सरकार ये दावा करती है कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में आप एक दिन में राजधानी पटना से आप काम करके आ सकते हैं। इन सबके पीछे सरकार का तर्क यही होता है कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है, या हम यूं कहें कि प्रदेश में सड़कों को लेकर काम तेजी से हो रहा है, साथ ही सड़कों की स्थिति में भी सुधार हुआ है। यही वो कारण है कि सरकार यह दंभ भरती है कि आप राजधानी पटना से प्रदेश के किसी भी हिस्से में 5 घंटे में जा सकते हैं। खैर, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रदेश नेशनल हाईवे के बारे में। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो ये कहा जा रहा है कि भागलपुर में नेशनल हाईवे का चौराहा बनने वाला है। बता दें कि भागलपुर से 6 नेशनल हाईवे गुजर रही है, जिसमें यह संयोग बना है। आपको बता दें कि कानपुर में पहले नेशनल हाईवे का चौराहा बना था। राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार बालिका टीम विजयी। तमिलनाडु के डिंडीगुल में खेली जा रही 66वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बालिका वर्ग के पूल सी के महत्वपूर्ण लीग मैच में बिहार ने राजस्थान को 35-20, 35-15 से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं दूसरे दौर में बिहार का मुकाबला पुडुचेरी से होने वाला है, जबकि चैंपियनशिप के मिश्रित युगल मुकाबले में बिहार का मुकुल और वंदना की जोड़ी ने तेलंगाना की जोड़ी को 36-38, 35-18, 35-15 से पराजित कर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में मैच के कप्तान पूनम कुमारी, वंदना कुमारी, गीता कुमारी, कोमल कुमारी, निधि कुमारी ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी पर मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी मामले में बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव से जवाब तलब किया है, जिसके बाद ही जस्टिस पीबी बजंत्री की एकलपीठ ने सुषमा कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश पारित कर दिया। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी के बीच हुए पूरे संवाद का रिकॉर्ड भी मांगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कोर्ट इस संवाद को देखने के बाद ही अब ये सुनिश्चित करेगी कि जनरल मेरिट के चयनित अभ्यर्थियों के लिए 192 वैकेंसी कैसे निर्धारित की गई है। इसके अलावा ये इस वजह से भी भ्रामक है कि इसमें 1284 वैकेंसी अधिसूचित किया गया था। विज्ञापन संख्या 2/2017 के अनुसार असिस्टेंट इंजीनियर को भरने के संबंध में कोई ठोस संख्या नहीं है, क्योंकि कई बार वैकेंसी की संख्या को परिवर्तित किया गया है। समस्तीपुर के विद्यापति धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। विद्यापति नगर प्रखंड के विद्यापति धाम परिसर एक ऐसा स्थल है जहां भगवान और भक्त दोनों की पूजा की जाती है। विद्यापति धाम में उगना महादेव मंदिर, विद्यापति स्मारक आदि के दर्शन आप कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकवि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके यहां उगना नाम से सेवक बनकर आए थे। कालांतर में जब एक दिन उगना अचानक गायब हो गया तो विद्यापति उनकी तलाश में विद्यापति धाम तक आ पहुंचे। कहा जाता है कि मां गंगा ने भी महाकवि की भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें दर्शन दिया था। महाकवि ने गंगा के दर्शन के बाद अपने शरीर का त्याग कर दिया, तभी से समस्तीपुर के विद्यापति धाम की ख्याति है। यहाँ पर लंबे समय से महाकवि के नाम पर महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। 10 दिनों में 10,000 श्रमिकों का होगा रजिस्ट्रेशन। 10 दिनों में 10,000 श्रमिकों का निबंधन होने का दावा बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बीते दिन किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर शिवहर पहुंचे थे, जहां पर ही शहर स्थित गांधी भवन में आयोजित कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर उन्होंने इसका शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 10 दिनों में 10,000 श्रमिकों का निबंधन होगा। उन्होंने आगे कहा कि हम जनप्रतिनिधियों को श्रमिकों की सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला है वो अपने आप में समाज सेवा है। सरकार के द्वारा श्रम कार्ड के लाभ के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है, उन्हें जानकारी प्राप्त कर लाभ लेना चाहिए। बिहार की हुई है अनदेखी। बिहार में औद्योगिक विकास और बेहतर निवेश के लिए बेहद जरूरी है कि यहां उद्यम विकास करने वालों की बैंक की तरफ से बिहार के प्रति एक तरह से गलत रवैया अपनाया जा रहा है। इसको लेकर बिहार सरकार भी अब मानती है और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद भी इसे कबूल किया है। ज्ञात हो हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है कि बिहार के लोगों को लोन देने के मामले में बैंक उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। अगर बिहार के लोग 100 रुपए जमा करते हैं तो बैंक उन्हें 50 रुपए का ही लोन देती है, यानी कि बिहार के लोगों को उनके द्वारा बैंक में जमा की गई राशि के अनुरूप भी बैंक लोन नहीं देते। हालांकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जो बैंक का लोन देने का आंकड़ा जहां पर थोड़ा बेहतर है। खास महल की जमीन पर फैसला करेगी बिहार सरकार। खास महल की जमीन के बारे में जल्द ही राज्य सरकार कोई फैसला करने वाली है। करीब साल भर से इस जमीन की जांच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कर रहा है, जिसके बाद ही विभागीय मंत्री रामसूरत कुमार ने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए
साझा किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि अधिकारी जांच रिपोर्ट की समीक्षा कर ठोस कार्रवाई की अनुशंसा करें। अपनी तरफ से सरकार जांच कर रही है कि खास महल की जमीन की अवैध खरीद बिक्री तो नहीं हुई है। सरकार शर्तों का पालन न करने वालों की लीज रद्द करने का निर्णय ले सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2018 में जारी एक आदेश के सिलसिले में हो रही है। इसमें ही खास महल की जमीन की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी गई थी। बिहार में अफसरशाही पर सहनी को मिला राजद का साथ। बिहार में अफसरशाही का मुद्दा आम है। आए दिन इस मुद्दे को लेकर बिहार सरकार के अंदर भी घमासान देखने को मिलता है। शुक्रवार को ही पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने एनडीए विधानमंडल दल की बैठक के दौरान इसको लेकर अपनी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद ही अब विपक्ष भी इस मामले में मांझी और सहनी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर ही राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि सहनी के अलावा भी कई मंत्री हैं जो अफसरशाही से परेशान हैं। गूगल मैप्स से भी कर सकते हैं अच्छी खासी कमाई। गूगल मैप्स दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेविगेशन ऐप में से एक है। दुनिया भर के यात्री अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इस पर निर्भर रहते हैं, जहां वो कभी नहीं गए हैं। वहीं आज हम आपको गूगल मैप से पैसा कमाने का तरीका बताने वाले हैं। गूगल मैप से पैसा कमाने का कोई सीधा तरीका तो नहीं है, दो साइड जॉब्स है जो आपको गूगल मैप से पैसा कमाने में मदद करेगा। लॉयनब्रिज एक ऐसी कंपनी है जो गूगल जैसी कंपनियों के साथ काम करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मैप और सर्च रिजल्ट और अन्य इंटरनेट से संबंधित कार्य सटीक है और तेजी से काम कर रही है। काम फ्लेक्सिबल है और इसके लिए प्रति घंटे $10 लगभग ₹756 और $16 यानी कि लगभग ₹1211 का भुगतान किया जाता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। लगातार सातवें साल विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2008 में 25 महिलाओं को GR8 सम्मान से नवाजा गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2009 में अपनी लोकसभा सीट का उत्तराधिकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को सौंपा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 2013 में एक बाजार में आग लगने से 20 लोगों की जान गई। 1931 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का निधन हुआ। 1956 में लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर का निधन हुआ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सिंह पथिक का 1882 में जन्म हुआ था। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ जीता एक और मुकाबला। श्रेयस अय्यर के 74 रन और रविंद्र जडेजा के 45 रनों की बेहतरीन पारियों की बदौलत भारत ने शनिवार को दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में श्रीलंका को 17 गेंद बचे रहते हुए 7 विकेट से मात दी। धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 183 रन बनाए। जवाब में भारत ने सिर्फ 17.1 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 T20 इंटरनेशनल मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। का तीसरा और अंतिम T20 मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रोहित कुमार, रविशंकर कुमार, अजीमा फिरदौस, गौतम कुमार, निकिता कुमार, रामाशीष पासवान, चंदन कुमार, अनिल कुमार यादव, बबल गेमर निकुराज, अतीक खान, राजकुमार, रंजीत सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें। हर दिन वीडियो के अंत में जिन लोगों का जवाब अच्छा लगेगा उनका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। हालांकि सवाल से पहले, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं और क्रिकेट प्रेमी हैं, तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार की किस लोक गायिका ने बिहार का मान सबसे ज्यादा बढ़ाया है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।